हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं आपके सामने वापस टॉपिक लेके हाजिर हूँ, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कॉफिशियंट। इससे पहले जो मैंने आपका, ये मेरा सेकेंड वीडियो है सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कॉफिशियंट के अंदर। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, और नेक्स्ट मैं आज आपके सामने लेने वाला हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, वहां पे डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स होता था। अगर वो कंडीशन होती थी तो कंडीशन के बाद वो इक्वेशन हमारी क्या होती थी, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो हमारी इक्वेशन क्या होती थी, एग्जैक्ट होती थी। अभी यहां पे भी सेकंड ऑर्डर में भी कंडीशन है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कोएफिशिएंट है सेकंड ऑर्डर में और वो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी, नहीं तो फिर हम अगला मेथड इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेने वाला हूं और दोनों ही क्वेश्चन होमोजीनियस के हैं। ये भी होमोजीनियस वाला क्वेश्चन है, वो भी होमोजीनियस वाला क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये होमोजीनियस वाला क्वेश्चन है तो हम उसी से कर लेंगे, आपने यहां क्यों बताया, पर मैं आपको बताना चाहता हूं होमोजीनियस वाले अगर मेथड से इसको करोगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, सॉल्व करने में टाइम खराब होगा। सो बेटर है हम इन दोनों क्वेश्चन को, स्पेशली इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट हो जाएगा। कैसे, इधर देखिए, यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। पी जीरो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर पी वन डिवाइड बाय डी एक्स पी टू वाई इज इक्वल टू क्यू, और कंडीशन होती है पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी जीरो डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, डैश का मतलब डेरिवेटिव उसका, राइट। सो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एग्जैक्ट होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे ही हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। लीनियर मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में एक वीडियो पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो वीडियो आप रेफर जरूर करें। सो अब ये क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं तो बेटा ये फॉर्म देखिए, पी जीरो इज इक्वल टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, पी वन है हमारे पास फोर एक्स, पी टू हमारे पास टू है, और क्यू हमारे पास दे रखा है e की पावर x। कंडीशन चेक करिए, पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी जीरो डबल डैश, बेटा पी टू कितना है टू, पी वन डैश कितना है फोर, डिफरेंशिएट करेंगे और इसको दो बार करेंगे तो ये आप देख रहे हो जीरो हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं, सो पी जीरो की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वन, पी वन कितना है बेटा फोर एक्स माइनस पी जीरो डैश दैट इज टू एक्स इन टू y is equal to integration of q dx plus का c1। So जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये आएगा x square dy by dx plus 2xy e की पावर x c1। हम इसको x square को डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी dy by dx और ये आएगा 2 by xy is equal to e की पावर c1 अपॉन x स्क्वायर। ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और आप जानते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा यहाँ पे कितना है 2 बाय एक्स, याद है ये हमारा p होता है और ये हमारा क्या होता है q होता है। सो जैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा ये 2 बाय एक्स डी एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 log x, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। अब जानते हो ये y में लीनियर है तो हमारा आंसर क्या होगा, y में लीनियर है तो हमारा आंसर होगा y डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू डॉट डी एक्स प्लस का c। सो यहाँ q डैश है बिकॉज q हमारा एक ये भी है और एक q हमारा ये भी है, तो इसको q और इसको q डैश मान लीजिए आप। सो y इज इक्वल टू आई एफ कितना है, आई एफ हमारे पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, ओ सॉरी दिस इज नॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर बिकॉज ये माइनस नहीं है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। सो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी वाई एक्स स्क्वायर और क्यू डैश की वैल्यू किसके बराबर है, ई की पावर एक्स प्लस सी वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का ये कॉन्स्टेंट लेंगे सी टू, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है एंड देन सी वन एक्स प्लस का सी टू, इस तरह से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अगर होमोजीनियस से करेंगे तो इक्वेशन थोड़ा लंबा पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड भी होगा सॉल्व करने में, सो बेटर हम इसको इस मेथड से करें। तो यहाँ पे पी वन एक्स स्क्वायर है, पी टू हमारे पास थ्री एक्स है, सॉरी दिस इज पी जीरो देन पी वन एंड पी टू इज इक्वल टू वन, एंड यहाँ पे आपके पास जो q दे रखा है वो कितना है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो कंडीशन होती है हमारे पास p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश, तो p2 इज इक्वल टू 1, इसका डिफिनेशन करेंगे तो 3 एंड इसको करेंगे तो 2, 0 हो रहा है।
अगर जीरो हो रहा है तो ये हमारी क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और मैंने आपको बोला अगर जीरो हो रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो पी जीरो दैट इज एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वन, पी वन कितना है यहाँ पे 3x, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू दैट इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस का सी वन, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई, और इसका इंटीग्रेशन होगा तो आप जानते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, और माइनस एक्स का वापस माइनस होगा तो ये प्लस एक्स सी वन, और आप इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई, और ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी वन। अब ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आएगी e की पावर log x, और ये आएगा हमारे पास x। और अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो मैंने आपको बताया था इसका फार्मूला क्या होता है, ये वाला होता है दैट इज y डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू डॉट डी एक्स प्लस का सी, या क्यू डैश कहेंगे क्योंकि ये हमारा क्यू डैश है। सो y डॉट आई एफ कितना है x एंड x, और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स सी वन डी एक्स प्लस का सी टू, देन आपके पास वैल्यू आएगी y x, और ये x से x क्या हो गया कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x 1 माइनस एक्स प्लस सी वन एक्स डी एक्स प्लस का सी टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो थोड़ा सा हमें एक और एक्स्ट्रा में ज़रूरत पड़ने वाली है। सो वाई एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 1 अपॉन एक्स और 1 माइनस एक्स, इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। सो पार्शियल फ्रैक्शन आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स को आप ले लो ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स, इस x की जगह 0 रखेंगे तो a हमारा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से हम 0 रखेंगे तो इस a की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, एंड ये 1 रखने पर यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी तो ये भी हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी, तो हमारे पास जो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो ये होगा, ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास प्लस सी वन एक्स इंटू डी एक्स प्लस का सी टू, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा वाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स और माइनस का लॉग वन माइनस एक्स प्लस सी वन लॉग एक्स प्लस का सी टू, ये हमारा आंसर। ये इसका लॉग वन माइनस एक्स होगा बट माइनस एक्स का वापस माइनस आएगा तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन होमोजीनियस के हैं पर इन दोनों क्वेश्चन को हम एग्जैक्ट से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होगा। ये दोनों को आप होमोजीनियस से भी अपने लेवल पर ट्राई करिए, आपको कितनी प्रॉब्लम आने वाली है वो आपको पता पड़ेगा, बट इसको आप एग्जैक्ट से करेंगे तो बहुत फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन और इस टॉपिक पर लेने वाला हूँ, फिर अपन अगले टॉपिक पर चलेंगे। सो अभी मैंने आपको आपके सामने दो क्वेश्चंस बताए, अब एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लेता हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे। सो देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम ये क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर x। यहाँ देखिए आपके पास p0 की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3x, p1 की वैल्यू है 6x प्लस 3, p2 हमारे पास 2 है, और q है हमारे पास x प्लस 1 e की पावर x। हम कंडीशन लगाएंगे तो ये कंडीशन होगी p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश। सो p2 हमारे पास यहाँ 2 है, p1 डैश हम लेंगे 6 आएगा, एंड देन यहाँ पे इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 बराबर 0 आ रहा है, मतलब ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने आपको बताया था इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं p0 dy by dx p1 माइनस p0 डैश इंटू y इंटीग्रेशन ऑफ q dx प्लस का c1। सो p0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वन हमारे पास है 6x प्लस 3 एंड p0 डैश, सो इसको वैल्यू आएगी हमारे पास 4x माइनस का 3 इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू हमारे पास है x प्लस 1 e की पावर x c dx प्लस का c1। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2x प्लस 3 डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2x y, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया आपका, एंड इसका इंटीग्रेशन कर ही लीजिए आप। सो x प्लस 1 को छोड़ा
ई की पावर एक्स का किया तो वन हुआ, देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, सो डी वाई बाई डी एक्स, और इसको जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ये एक्स एक्स कैंसिल हुआ, टू अपॉन टू एक्स प्लस थ्री वाई, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री। सो ये वैल्यू हमारे पास आएगी, इसको भी आप x ले लीजिए, या इसको बेटर है आप इस तरह से ना लिखिए, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए x प्लस एक्स ई की पावर x प्लस सी वन अपॉन एक्स टू एक्स प्लस थ्री, ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे ये हमारा p और ये हमारा q है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करेंगे आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 into dx, और आप सॉल्व करेंगे तो आएगा e की पावर log 2x + 3। अगर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आता है, 2x + 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है ना। सो लॉग 2x + 3 और e से लॉग कैंसल, सो दिस इज 2x + 3, देन फाइनल आंसर होगा y डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू डॉट डी एक्स प्लस का सी टू, सो y इज इक्वल टू 2x + 3 देन 2x + 3, और q की वैल्यू, ये q डैश लेंगे हम, q डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास x e की पावर x c1 अपॉन, इसकी वैल्यू है आपके पास x 2x + 3 into dx प्लस का c2, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 3 से 2x + 3 कैंसिल, सो y 2x + 3 इज इक्वल टू x x कैंसिल हुआ तो e की पावर x, एंड यहाँ पे ये x ऊपर चला जाएगा तो नीचे ही रहने दीजिए ज़्यादा अच्छा है, dx प्लस का c2 देन y 2x + 3 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x c1 log x प्लस का c2, ये हमारा आंसर होगा। सो इस तरह से जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिया, सो आपके सामने मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कॉफिशियंट। सो ये देखिए, साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई, इस साइन स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्वेश्चन जो है ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज आपके सामने दिख रहा है कि इसको आप पी वन पी जीरो और इन सब की वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जो एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा वो ये है कि इस कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो कॉटेक्स होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपको क्या लेना पड़ेगा, लेट यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे हम कॉटेक्स, और इस कॉटेक्स को इस पूरी इक्वेशन को क्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस कॉटेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अंदर मैंने आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी, वहां दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे, एक मैंने बताया था एग्जैक्ट और एक मैंने बताया था रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। और जब रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट में मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होते हैं उसको हम जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट में क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यहां पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या है, कॉटेक्स होगा। अब आपको पता पड़ेगा सर हमें कैसे पता पड़ेगा ये कॉटेक्स होगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो यहां आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का कनेक्शन किससे होता है, कॉट से होता है। अगर बाई चांस यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स होता तो इधर होता सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स तो क्या होगा टेन एक्स, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो ये कॉटेक्स है, इस कॉटेक्स इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कॉटेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा कॉटेक्स डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉटेक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप देखेंगे तो यहाँ पे पी जीरो की वैल्यू आपके पास आ रही कॉटेक्स, पी वन आपके पास है जीरो, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशियन आपके पास नहीं है, सो ये कॉटेक्स आएगा एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम कंडीशन लगाएंगे तो क्या आएगी कंडीशन, पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी जीरो डबल डैश इज इक्वल टू, आप देखेंगे तो पी टू की वैल्यू कितनी है माइनस टू कॉटेक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये तो आपके पास जीरो है ये, प्लस इसको एक बार इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स वापस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी टू कॉटेक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, और आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन हमारी क्या हुई,
एग्जैक्ट हुई, और अगर ये एग्जैक्ट हुई तो इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी जीरो डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी जीरो डैश इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स प्लस का सी वन। सो पी जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉट एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वन तो हमारा जीरो है, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और ये आपके पास आ गया वाई। और क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्यू हमारे पास यहाँ पे जीरो है, तो आप देखेंगे तो ये तो जीरो ही हो गया प्लस का सी वन। आपको यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, बिकॉज क्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, नहीं है, तो क्यू इज इक्वल टू जीरो है, ये जीरो हो गया, और जीरो का इंटीग्रेशन तो हमें मतलब ही नहीं है, कुछ भी होगा नहीं, देन ये आएगा आपके पास कॉट एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स इंटू वाई अपॉन कॉट एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जिसमें ये हमारा पी होता है, ये हमारा क्यू होता है, हम इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स डी एक्स, और मैंने आपको पहले बताया था कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन पर अगर ऊपर वाला आता है, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो एक काम करते हैं, माइनस अंदर लेता हूं और माइनस यहां लेता हूं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो आप क्या करेंगे, जैसे इसका वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का लॉग कॉट एक्स, और लॉग कॉट एक्स है और माइनस है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉन कॉट एक्स दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, टेन एक्स। ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। देन फाइनल आंसर आप जानते हैं कितना होता है, वाई इज इक्वल टू आई एफ एंड देन आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस का सी टू। सो ये आएगा वाई टेन एक्स, देन आई एफ कितना हमारे पास, टेन एक्स, और ये सी वन अपॉन कॉट, ये क्यू डैश है, तो सी वन अपॉन कॉट एक्स डी एक्स प्लस का सी टू। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो वाई टेन एक्स एंड देन सी वन बाहर निकाला, ऊपर जाके क्या हो गया, ये कॉट ऊपर जाके 10 हो गया, सो 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का सी टू, देन वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सी टू। ये 10 स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस का सी टू, देन वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सी टू। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है 10 एक्स माइनस एक्स प्लस का सी टू, ये हमारा आंसर आएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे चार क्वेश्चन बताए, जिसमें आपको बताया तीन क्वेश्चन तो हमारे एग्जैक्ट पे थे, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट पे था। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और कमेंट्स भी करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे की वीडियोस और अच्छे से एनर्जी के साथ और भी कंटेंट आपके साथ लेके आओ। और मैं अभी कुछ क्वेश्चंस और लेने वाला हूँ जो गेट में आए हुए हैं और जेम में आए हुए हैं, सो वो क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।